मेरा चैनल निशा किचन। आज मैं एक और नई रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे सोयाबीन के कबाब, जो नॉनवेज कबाबों से कम नहीं होते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे स्टाइल में सोयाबीन के कबाब की रेसिपी। इस कबाब के लिए हमें चाहिए होंगे सोयाबीन। तो सोयाबीन मैंने अच्छी तरह से वॉश करके 15-20 मिनट के लिए गर्म पानी में सोख करके रखेंगे और अच्छी तरह से स्क्वीज कर लेंगे, उसका सारा पानी निकाल लेंगे, फिर यूज़ करेंगे सोयाबीन। तो फ्रेंड्स, हम पहले मिक्सर जार लेंगे। मिक्सर जार में फ्रेंड्स देखिए, मैंने धनिया पत्ता लिया है, अच्छी तरह से वॉश करके लेंगे, रफली कट करके लेंगे। और एक इंच आधा इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है और 4-5-6 मैंने लहसुन लिए हैं और 4 हरी मिर्च लिए हैं। इन सभी चीज़ों को ग्राइंड करेंगे, पीसेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें अनियन को नहीं पीसना, अनियन हम बाद में यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, मैं बड़ा जार ले रही हूँ, आपके पास छोटा हो तो आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाल के आप ग्राइंड करें। मैंने पीस लिया, दरदरा पीसना फ्रेंड, पूरी बारीक नहीं करेंगे, दरदरा पीसेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने चना दाल लिया है, चना दाल को अच्छी तरह वॉश करके आधे घंटे के लिए सोख करके रखा था। फिर हम डालेंगे चना दाल, चना दाल को पीसेंगे, दरदरा पीसना फ्रेंड, पानी नहीं डालेंगे, ऐसे पीसेंगे। मैंने दरदरा पीस लिया है, अब इसमें सोयाबीन डाल के, देखिए सोयाबीन डाल के इसको भी ग्राइंड करेंगे, बारीक नहीं करना हमें ग्राइंड। तो हाफ दाल डाल के इसको ग्राइंड करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने सभी चीज़ें को ग्राइंड कर लिया है। फ्रेंड्स, अगर आप सोयाबीन को अलग भी ग्राइंड कर सकते हैं, अगर सोयाबीन आपके मिक्सचर में ग्राइंड ना हो तो। ओके फ्रेंड्स, देखिए इस तरह हमें चाहिए। अब इसमें मिक्स करेंगे अनियन, जो हमने रफली चॉप किए हैं, 2 अनियन मैंने लिए हैं, अनियन डालेंगे। और फ्रेंड्स, बाइंडिंग के लिए आप मैं तो बेसन यूज़ कर रही हूँ, आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, मैदा भी ले सकते हैं, सत्तू भी ले सकते हैं, हेल्दी ऑप्शन है, आप बेसन लें। ओके फ्रेंड्स, मैं हाफ बाउल बेसन ले रही हूँ और ब्रेड क्रम से भी आप डाल सकते हैं, ब्रेड क्रम डाल रही हूँ मैं, देखेंगे और चाहिए होगा तो और ले लेंगे। और बाइंडिंग के लिए आप सॉल्ट डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, मैं 1 चम्मच सॉल्ट ले रही हूँ, अकॉर्डिंग टू टेस्ट लेना है। धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, अच्छे से फिर मिक्स करेंगे। जीरा पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच, हल्दी थोड़ी सी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, और गरम मसाला, एक 1/2 चम्मच गरम मसाला डाला मैंने। अच्छी तरह से अब हाथों से इसे शेप देंगे, मिलाएंगे सभी मिक्सचर को। मिक्सचर रेडी कर लिया है, अब इसके बाउल बनाएंगे, कबाब के शेप देंगे। कबाब के शेप देने के लिए फ्रेंड्स, हम पहले पाम में ऑयल लगाएंगे, रिफाइंड ऑयल ज़रा सा करके सेक देंगे, लेंगे इसी तरह हम सभी कबाब रेडी करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ओके, देखिए फ्रेंड्स, मैंने कबाब के शेप दे दी हैं, रेडी है फ्राई करने को। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने गैस ऑन कर दिया है, कढ़ाई भी रख दी है और मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। रिफाइंड ऑयल पूरा अच्छी तरह से हीट हो जाए, गर्म हो जाए, तब हम अपने कबाब डालेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सैलो फ्राई भी कर सकते हैं, कम ऑयल में भी आप कबाबों को फ्राई कर सकते हैं। मैं ज़्यादा ऑयल डाल के कबाबों को फ्राई करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, लो टू मीडियम फ्लेम में हमें कबाबों को फ्राई करना है। तो हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है, अब एक एक करके कबाबों को डालेंगे, यूं करके ऐसे करके। एक एक करके डालेंगे आराम से, एक बार में ज़्यादा नहीं डालना है, फोरी में डाल रही हूँ, तभी अच्छी तरह से फ्राई होंगे। लो टू मीडियम फ्लेम में हमें कबाबों को फ्राई करना है।
कबाब फ्राई हो रहे हैं। लो टू मीडियम फ्लेम में हमें कबाबों को फ्राई करना है। फ्रेंड्स, जी फ्रेंड्स, हमारे सोयाबीन कबाब रेडी हो गए। 5 to 10 मिनट्स लगे हैं फ्रेंड्स हमें स्लो टू मीडियम फ्लेम में फ्राई करने में। अब डिश आउट करते हैं, निकालते हैं, गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और कबाबों को निकालते हैं। फ्रेंड्स, मैंने प्लेटिंग कर दी है, ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। और फ्रेंड्स, मैंने धनिया पत्ते की चटनी सर्व किए साथ में। धनिया पत्ता, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन को अच्छी तरह से पीस के चटनी रेडी की है। कबाबों के साथ हरी चटनी बहुत टेस्टी लगती है, और साथ में स्लाइसेस अनियन के और साथ में नींबू। आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा, गर्मा गर्म सर्व कीजिए। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसे लगती है, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय।